नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन का भी हम आंसर भी देंगे। तो आपको बस ये काम करना है, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। तो अब शुरू करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम है, इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्रवित पेट्रोलियम गैस, बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी है बायोगैस यानी CH4, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हिंदी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है प्राकृतिक गैस, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा, बी है ऊष्मा ऊर्जा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। इसके बाद चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समान होता है, बी है असमान होता है, सी है कोई निश्चित नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए समान होता है। इसके बाद पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैराडे यानी फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें, और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है, बी है विद्युत अपघटन के नियम है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है, बी है विद्युत अपघटन के नियम है। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 100 हर्ज, बी है 40 हर्ज, सी है 50 हर्ज, डी है 60 हर्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 50 हर्ज। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है पश्चिम की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पूर्व की ओर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अबिंदुकता, बी है दीर्घ दृष्टि दोष, सी है लघु दृष्टि दोष, डी है जरा दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जरा दृष्टि दोष। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दृष्टि परिसर, यानी क्या कहते हैं, बी है अनंत बिंदु परिसर, सी है निकट बिंदु परिसर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दृष्टि परिसर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी है 8 से 10 घंटे के भीतर, डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 4 से 6 घंटे के भीतर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्पेक्ट्रम, बी है वर्ण विन्यास, सी है विवगियोर, डी है वर्ण क्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए स्पेक्ट्रम। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत में आवेश, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विरामावस्था में रहते हैं, बी है गति की अवस्था में रहते हैं, सी है दोनों अवस्था में रहते हैं, डी है किसी भी अवस्था में नहीं रहते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विरामावस्था में रहते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, यानी क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जनरेटर, बी है विद्युत मोटर, सी है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विद्युत मोटर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है टीन का, बी है तांबे का, सी है तांबे और टीन दोनों का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी तांबे और टीन दोनों का। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विद्युत रोधी, बी है विद्युत चालक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विद्युत रोधी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी लिस्ट काउंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, बी है 0.05 वोल्ट, सी है 0.005 वोल्ट, डी है 0.0005 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
बी 0.05 वोल्ट। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नहीं, बी है हाँ, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नहीं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे कैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समान प्रकार के, बी है विपरीत प्रकार के, सी है किसी प्रकार के नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विपरीत प्रकार के। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, बी है पूरब की ओर, सी है पश्चिम की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पश्चिम की ओर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है अधोमुखी, डी है ऊपरी मुखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऊपरी मुखी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऋणात्मक। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंगे होती है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चुंबकीय तरंग, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी है विद्युतीय तरंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी के सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अधिक दूर दिखता है, बी है कम दूर दिखता है, सी है समान दूरी पर दिखता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अधिक दूर दिखता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आवर्धन, बी है संवर्धन, सी है प्रवर्धन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आवर्धन। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल का अपवर्तनांक है यानी इनमें से कौन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1.33 है, बी है 1.65 है, सी है 1.36 है, डी है 1.31 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1.36 है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आयरिस द्वारा, बी है नेत्र लेंस द्वारा, सी है सिलियरी पेशियों द्वारा, डी है कॉर्निया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सिलियरी पेशियों द्वारा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना, बी है अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना, सी है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी है सभी कथन सत्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 0, डी है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 0। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समान होते हैं, बी है भिन्न भिन्न होते हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है ए बी सी सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डोवे राइनर का, बी है मोसले का, सी है मेंडलिफ का, डी है न्यूलैंड्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मेंडलिफ का। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आबंध बनते समय अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अतः यह विद्युत, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धनात्मक है, बी है उदासीन है, सी है ऋणात्मक होते हैं, डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऋणात्मक होते हैं। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाई मिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिथॉक्सी इथेन, बी है इथॉक्सी प्रोपेन, सी है एथॉक्सी इथेन, डी है मिथॉक्सी मिथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मिथॉक्सी मिथेन। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्षारीय है, बी है अम्लीय है, सी है उदासीन है, डी है क्षारीय और अम्लीय दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अम्लीय है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है घुलनशील होते हैं, बी है अल्प घुलनशील होते हैं, सी है बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, डी है घुलनशील नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी घुलनशील नहीं होते हैं। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 3। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर
किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काली धुआं, बी है पीली धुआं, सी है स्वच्छ ज्वाला, डी है लाल ज्वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, स्वच्छ ज्वाला। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एथेनॉल, बी है कीटोन, सी है हाइड्रोकार्बन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, बी है O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस, सी है N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस, डी है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन यानी C2H2 का IUPAC नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रोपेन, बी है प्रोपेनॉल, सी है ब्यूटेनॉल, डी है 1-ब्यूटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रोपेनॉल। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Mg और OH का होल Cl, बी है NaNO3, सी है NaHSO4, डी है Ca(OCl)Cl। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, NaHSO4। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्षार, बी है क्षारक, सी है क्षरण, डी है संक्षारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्षार। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रबल अम्ल कहते हैं, बी है दुर्बल अम्ल कहते हैं, सी है N/10 अम्ल कहते हैं, डी है नॉर्मल अम्ल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2, बी है SO2, सी है CO, डी है Cl2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, SO2। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है HCl, बी है HNO3, सी है H2SO4, डी है CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, CH3COOH। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Na यानी सोडियम, बी है Mg यानी मैग्नीशियम, सी है 2N, डी है मोलिब्डेनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, Na यानी सोडियम। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्वेत फास्फोरस, बी है लाल फास्फोरस, सी है सल्फर, डी है आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, श्वेत फास्फोरस। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजकता, बी है आयनों की संख्या, सी है प्रोटोनों की संख्या, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, संयोजकता। तो इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, बी है Al यानी एल्युमिनियम, सी है Mg यानी मैग्नीशियम, डी है Ca यानी कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मैग्नीशियम यानी Mg। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टूथ पेस्ट कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्षारीय। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2+Cl2 अभिक्रिया होकर के 2HCl होता है, बी है CaCO3 अभिक्रिया होकर के CaO+CO2 होता है, सी है NaOH+HCl अभिक्रिया होकर के NaCl+H2O होता है, डी है AgNO3+HCl अभिक्रिया होकर के AgCl+HNO3 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, H2+Cl2 अभिक्रिया होकर के 2HCl होता है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया यानी CuO+H2O अभिक्रिया होकर के CuO+H2O में H2 का क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है संयोजन, डी है विघटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CuO+H2 ताप के साथ अभिक्रिया करके CO+H2O, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2 का, बी है Cu का, सी है CuO का, डी है H2O का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, Cu का यानी कॉपर का। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaOH और HCl की अभिक्रिया से NaCl और H2O बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन, बी है उदासीनीकरण, सी है विघटन, डी है अवक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, उदासीनीकरण। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है अपघटन अभिक्रिया, सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी है विघटन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है साफ जल में, बी है गंदा जल में, सी है खारा जल में, डी है मृदु जल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
बी गंदा जल में। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 30.5 कैलोरी जूल पर मोल, बी है 305 कैलोरी जूल पर मोल, सी है 3.5 कैलोरी जूल पर मोल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 30.5 कैलोरी जूल पर मोल। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी है अपघटन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 120 mm एच जी, बी है 150 एम एम एच जी, सी है 90 एम एम एच जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 90 एम एम एच जी। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उद्दीपक, बी है पाचक रस, सी है हार्मोन, डी है आवेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी हार्मोन। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इष्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2+H2O, बी है लैक्टिक प्लस अम्ल, सी है इथेनॉल प्लस CO2, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी इथेनॉल प्लस CO2। इसके बाद यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोइटर, बी है मिक्सोडर्मा, सी है एडिसन रोग, डी है डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ग्वाइटर, यानी घेगा रोग। घेगा रोग को कहते हैं ग्वाइटर इंग्लिश में। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, बी है न्यूरॉन में, सी है मेरु रज्जू में, डी है डेंड्रॉन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मेरु रज्जू में। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, बी है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ, सी है जैव अवर्धक, डी है जैविक अपघटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए जैव निम्नकरणीय पदार्थ। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2, बी है SO2, सी है CFC, डी है NO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 50 से 60 प्रति मिनट, बी है 60 से 70 प्रति मिनट, सी है 70 से 80 प्रति मिनट, डी है 80 से 90 प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 70 से 80 प्रति मिनट। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है SA नोड, बी है AB नोड, सी है हिस का बंडल, डी है पुरकिंजे तंतु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए SA नोड। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वृक्ष के छाल, बी है पुराने जाइलम, सी है पुराने फ्लोएम, डी है जड़ों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वृक्ष के छाल में। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मांसपेशियों में, बी है आहार नली में, सी है हृदय में, डी है इनमें से सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आहार नली में। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा में, बी है जल में, सी है रासायनिक ऊर्जा में, डी है ग्लूकोज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी रासायनिक ऊर्जा में। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न विकल्पों में कौन यूरिकोटेलिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पक्षी, बी है सांप, सी है कीट, डी है अमीबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अमीबा। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पत्तियों में, बी है छाल में, सी है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी है इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इन सभी में। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायवीय, बी है अवायवीय, सी है दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अवायवीय। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न विकल्पों में कौन श्वसन तंत्र की वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, बी है निमोनिया, सी है पर्टुसिस, डी है डिप्थीरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इन्फ्लुएंजा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 6। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बीजाणु, बी है भ्रूण, सी है जाइगोट, डी है स्त्री केसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जाइगेट।
इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विटामिन, बी है खनिज, सी है पोषक तत्व, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आराम में सामान्यतः व्यस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 9 से 12, बी है 15 से 18, सी है 21 से 24, डी है 30 से 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 15 से 18। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेजिन एवं गूंद कहाँ संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्लोएम में, बी है कार्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जाइलम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पुराने जाइलम में। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कुत्ता, बी है मेढक, सी है मानव, डी है हाइड्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी हाइड्रा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है असम में, बी है राजस्थान में, सी है गढ़वाल के रेनी गाँव में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी गढ़वाल के रेनी गाँव में। तो इस सेक्शन से यानी इस मॉडल पेपर का 80 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार देखें और इस क्वेश्चन को याद रखें जिसका यूज आप एग्जाम में भरपूर कर सके। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।